नमस्कार, वास्तु संदेश कार्यक्रम को स्वागत है। मैं वास्तु पंडित साईराम। आज ये वास्तु शुभ वास्तु कार्यक्रम में मास्टर बेडरूम किधर होना चाहिए, ये बेडरूम का इम्पॉर्टेंसी क्या है, बच्चों का बेडरूम भी किस दिशा में रहे तो अच्छा रहता है, ये बेडरूम में बेड का पोजीशन भी कैसा होना चाहिए, हम अभी डिस्कस करेंगे। आगे चलिए, अभी हम इमेजेस के साथ में बात करेंगे। दोस्तों, ये मास्टर बेडरूम बनाने के टाइम में आप कुछ वास्तु केयर लेना ज़रूरी है। मेनली ये मास्टर बेडरूम होना चाहिए नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाना ज़रूरी है। कारण क्या है कि घर का मेन मालिक की ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना, मतलब कौन साउथ वेस्ट कॉर्नर में रहते हैं वो लोग आधिपत्य करते हैं, घर का मेन पावर पूरा उधर ही है। इसलिए तो वो बेडरूम बनाने के टाइम में बेड का सिर, मतलब पलंग का सिर होना चाहिए दक्षिण दिशा में, सिर होना है साउथ में, पाँव होना है उत्तर में, का दिशा में बेड डालना है। मगर वो बेड भी उस रूम का साउथ वेस्ट करना कॉर्नर तरफ होना जरूरी है। मतलब बेड से नीचे उतरने वाला पूरब तरफ या उत्तर तरफ उतरना जरूरी है। मतलब बेड का पश्चिम में काली जगह कम होना चाहिए, बेड का पूरब तरफ या उत्तर तरफ काली जगह ज़्यादा छोड़ के उस रूम में पलंग होना चाहिए टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। मतलब घर का बेडरूम का मेन साउथ वेस्ट कोने में पैसा रखने का तिजोरी साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना ज़रूरी है। फिर ये रूम कंपलसरी होना है स्क्वेयर और रेक्टेंगल, या थोड़ा ईशान बढ़ने का सिस्टम में भी आप रूम बनाना जरूरी है। मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मास्टर बेडरूम का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कभी कट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कोना वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट कोने में, मतलब ईशान कोने में दरवाज़ा होना ज़रूरी भी है। मतलब ईशान कोने में कोई वेट गेट रखना नहीं है, अलमारी गिलमारी कुछ भी होना नहीं है। मेनली इस मास्टर बेडरूम का साउथ वेस्ट में अलमारी होगा, साउथ में हेड होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट कोने में ईशान कोने में द्वार होना ज़रूरी है। बाकी उत्तर और पूर्व तरफ अग्नि या वायु तरफ भी आपका टॉयलेट, अटैच टॉयलेट होने का चांसेस है, उधर रख सकते हैं। ऐसा मास्टर बेडरूम के लिए केयर लेना है। फिर ऐसा अब तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये बच्चों का बेडरूम करना है, बच्चों का बेडरूम बनाना है। फिर या साउथ ईस्ट में भी बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं। फिर या गेस्ट रूम, या नहीं तो लड़कियों के लिए भी बेडरूम बनाना है तो आप तो नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। उस रूम में भी आप तो साउथ में हेड होना ज़रूरी है, नॉर्थ और ईस्ट खुला होना भी ज़रूरी है। ऐसा खेर लेके आप बेडरूम्स बना दिए तो उस रूम में रहने वाला सुख शांत से रहते हैं। फिर मेनली किसी तरीके में नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाना ठीक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट बेडरूम बना दिए तो उस रूम में रहने वालों को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर इतना डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसलिए तो नॉर्थ ईस्ट में कभी बेडरूम मत बनाइए। मेनली मुख्य पॉइंट है कपल्स, मतलब न्यूली मैरिड कपल्स नॉर्थ ईस्ट रूम में सोना मना है, क्योंकि उधर सो गए तो आपका बच्चा फायदा होने में ये बहुत तकलीफ हो जाती है। फिर इसलिए मेन केयर लेना है बेडरूम बनाने के टाइम में वास्तु के हिसाब से, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम एंड नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट या आपका साउथ एंड वेस्ट में बेडरूम्स बनाना एक अच्छा चीज़ है। इसलिए ये वास्तु पॉइंट्स आप फॉलो करके बेडरूम बनाने के टाइम में अच्छा रिजल्ट देके हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो फिर ये आप शेयर करवा दीजिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब भी करा दीजिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।